सर ये है हमारा मोनोलेयर जिसे बोलते हैं बायो बैग, जिसे बोलते हैं जो मार्केट में इस समय बायो का इतना ज्यादा डिमांड चल रहा है जो कि आप डिमांड ही पूरी नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा डिमांड है। अच्छा। देखिए मक्के के दाने का बनने वाला प्रोडक्ट है ये, मक्का देख रहे हैं इससे बनता है ये। अच्छा, ये बिल्कुल इससे ये बैग बनता है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं यह जो मशीन है बायोडिग्रेडेबल बनाने की मशीन है, और मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। मैं आप लोग को फिर से लेकर आ गया हूं रॉयल मशीनरी में, जो कि आप लोग का दिल्ली के नोएडा में पड़ता है देखने को। और आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग मक्के के दाने से, ठीक है, ये आप लोग का मक्के का दाना रहा है, और आप लोग इससे कुछ इस प्रकार का जो पॉलिथीन है बनाएंगे, पन्नी है बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सब कुछ जानने वाले हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं यह जो मशीन है कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा। यहाँ के जो सर हैं उनको पूरा बुलाएंगे, डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आप लोग मशीन को देख पा रहे हैं, इसका जो व्यू है कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, क्या मतलब इसमें कौन कौन सा सेटअप आता है, ये जो मशीन है कैसे वर्क करेगा, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितने लोग इस मशीन को चला सकते हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, आप लोग कैसे इस सेटअप को लगा सकते हैं, कितने बाय कितने के एरिया में, सब कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं चाहे फेसबुक पर। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम कैलाश है, मैं रॉयल मशीन से हूँ। अच्छा जी। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे अपने कंपनी के बारे में? सर मेरी कंपनी के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी एक छत के नीचे नहीं तो 100 बिजनेस आइडिया स्टार्ट करवाती है। बस आपको स्टार्ट करने की जरूरत है, कैसा बिजनेस आइडिया स्टार्ट करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, 100 बिजनेस आइडिया स्टार्ट करवाती है। बिल्कुल, इस कंपनी में बस विजिट करना है, विजिट करना है। लाइन लगाई हुई है, लाइन सर बाहर से लेकर अंदर तक पूरा मशीन ही मशीन है। बिल्कुल। तो हम लोग ये आज की इस वीडियो में जो मशीन का बात करने वाले हैं, सबसे पहले हमको इसके बारे में बताइए कि ये जो कौन सा मशीन है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी चाहता है इसको शुरू करना कैसे करेगा? सर ये है हमारा मोनोलेयर जिसे बोलते हैं बायो बैग। अच्छा। जिसे बोलते हैं जो मार्केट में इस समय बायो का इतना ज्यादा डिमांड चल रहा है जो कि आप डिमांड ही पूरी नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा डिमांड है। अच्छा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो मशीन है कैसे काम करता है, मटेरियल क्या लगेगा, और जो हम लोग का जो प्रोडक्शन होगा किस तरह से होगा उसके बारे में? सर देखिए मक्के के दाने का बनने वाला प्रोडक्ट है ये, मक्का देख रहे हैं इससे बनता है ये। अच्छा, ये बिल्कुल इससे ये बैग बनता है जो कि नाले वगैरह में घुल जाता है, जैसे कि पहले क्या होता है प्लास्टिक फेंक देते थे, नाले में नहीं घुलता था, रोड पर पड़ा है तो उससे होता क्या कि गाय वगैरह खा जाते हैं, कुत्ता खा जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए हार्मफुल होता है, ठीक पर्यावरण के लिए नुकसान दे देता है। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये लाइव डेमो भी आपको करके दिखाएंगे कैसे हम पता करें कि ये बायो की है। तो ये एक मोनोलेयर प्लांट है जिसमें आप गार्बेज बैग बना सकते हैं, बायो का बैग बना सकते हैं, सारा कुछ ये बैग भी इसी से बनता है। मतलब एक तरह का मशीन लगा के कई तरह का प्रोडक्शन, बिल्कुल बिल्कुल 5 से 6 प्रकार का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए हमारा हॉपर है, इसमें हम लोग रॉ मटेरियल मिक्स करेंगे, रॉ मटेरियल मिक्स करने के बाद इस हॉपर में डालेंगे, हॉपर में डालने के बाद ये आगे का प्रोसेस होगा और इस जगह से आपका एक बबल फार्म में ऊपर जाएगा। अच्छा। ठीक बबल फार्म में ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद आगे एक रोल बनाएगा, ठीक उसके बाद हम लोग कटिंग सीलिंग करते हैं, उसके बाद आके इस जगह पर हम लोग पंचिंग करते हैं। ये पंचिंग मशीन आने वाला। बिल्कुल सर, इसके साथ कौन कौन सा सेटअप दिया जाता है? इसके साथ 3 सेटअप रहता है आपका, आपका ये मोनोलेयर हो गया, कटिंग सीलिंग हो गया, आपका ये पंचिंग मशीन हो गया। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है क्या रहेगा? उसके आगे पास मशीन लगाइए, बैठाइए, हमारा टेक्नीशियन जाएगा, सिखाएगा, सारा कुछ करेगा। जी बिल्कुल। तो उसके बाद बात करते हैं इसका जो कंट्रोलिंग वगैरह है क्या कैसे? बिल्कुल सर, देखिए ये पैनल है, ये पूरा पैनल है जिसमें आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें अगर साइज बड़ा करना हो, छोटा करना हो, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये पैनल दिया हुआ है कंट्रोल करने के लिए, यानी फुल्ली तरह से ऑटोमेटिक ये प्लांट होने वाला है। और उसमें प्रॉफिट की बात कर लो सर कि पर केजी के पीछे कम से कम नहीं तो 50 से 60 रुपये प्रॉफिट होने वाला है। अच्छा, कितना प्रोडक्शन हो जाएगा इस मशीन से? सर इस मशीन से पर घंटे की प्रोडक्शन 30 से 40 केजी है सर। अच्छा अच्छा। इससे ऊपर भी आता है, मॉडल वाइज डिपेंड करता है कौन सा मॉडल आप चूज कर रहे हैं। अच्छा, उसे बायोडिग्रेडेबल बैग बोल सकते हैं। अच्छा, पॉलिथीन बैन हो चुका है, सरकार हमारी बैन कर चुकी है। समझ रहे हैं कि ये पॉलिथीन है? नहीं, कॉर्न स्टार्च के, कॉर्न स्टार्च के दाने से बना हुआ ये मटेरियल है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। तो दोस्तों इस मशीन का नाम है बायोडिग्रेडेबल बैग बनाने की मशीन ना भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो भैया इसका जो आगे का प्रोसेस, जैसे हम लोग पन्नी को डालते हैं, ठीक है, नहीं गलता है, और जैसे ही हम लोग मतलब इसका जो बायोडिग्रेडेबल है
पानी में संपर्क में जैसे ही केमिकल में डालेंगे तो कुछ घुल होता क्या है कि सर देखिए एक नाले में गैस पाई जाती है, पढ़े होंगे आप मीथेन, वो गैस पाई जाती है उसमें 3 महीने के अंदर गल जाता है। अच्छा अच्छा जी, मतलब जैसे ही मतलब 3 महीने के अंदर अपने आप ये अपने आप मैं सर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसमें। अच्छा अच्छा जी, बाकी और क्या क्या जानना चाहिए इस मशीन के बारे में, अगर कोई लगाता है तो इसमें क्या क्या और सेटअप ले सकता है? सर इसके लिए एक मोनोलेयर है, एक कटिंग सीलिंग प्लांट है, ये दो और एक पंचिंग मशीन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अच्छा अच्छा, बाकी आप लोग पूरा जो सेटअप है देख ही पा रहे हैं, ठीक है, जो कटिंग मशीन है और आप लोग का पंचिंग मशीन है आप लोग को दिख रहा होगा। और सर इसमें जो हम लोग मतलब मेन पावर यूज करते हैं कितने लोग काम करेंगे? मैक्सिमम 3 लोग सर। अच्छा, मैक्सिमम 3 लोग, बिल्कुल 2 से 3 लोग चाहिए ही मैन पावर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इसका, ठीक है, रोजगार शुरू करना, आप लोग प्रोडक्शन वगैरह जाने गए हैं, आप लोग को सब कुछ सर एक एक करके डिटेल में बताए हैं। और सर इसका जो मार्केटिंग है, मान लीजिए हम लोग मटेरियल बना लिए, ठीक है, सब कुछ कर लिए, मार्केटिंग कैसे करेंगे? सर मार्केटिंग इसका सबसे बहुत इजी है, आप इससे इजी तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे कि प्लास्टिक तो बंद हो गया, अब जो भी चल रहा है बायो चल रहा है, तो बायो का डिमांड इतना है सर कि आप अपने शहर में ही इसका मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। और इसका जो बनाने का कॉस्टिंग कितना आ जाता है? बनाने की कॉस्टिंग आपका पड़ जाता है 130 रुपए और सेल होता है होलसेल में 170 के आसपास और रिटेल में 200 रुपए पर केजी। आप अमेजोन वगैरह कहीं भी सर्च मार सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, और इसका जो मटेरियल वगैरह है, मटेरियल है जैसा कि आप बताई है जी, मक्के के दाने से बनाया जाता है जी, तो उसमें भी फिनिशिंग किया जाता होगा ना दाने को? हाँ सर, मक्के के दाने से बन के जो मटेरियल है वो आता है, जो पीबेट फीलर करते हैं वो दो चीज मटेरियल होता है, वो 50-50 मिक्स होता है सर। अच्छा। सर देखिए ये एक लिक्विड आता है, ठीक, जिससे कि हम लोग जान सकते हैं कि कौन बायो है कौन प्लास्टिक है। सबसे पहले करते क्या है कि ये लिक्विड है जो ये हम इसमें डाल देते हैं सर, ठीक, देख रहे होंगे आप कैमरे में। उसके बाद सर देखिए ये प्लास्टिक है, ठीक, इस प्लास्टिक को हम फाड़ लेते हैं सर, कहीं से भी ये फाड़ लिए। उसके बाद इसमें डाल दिए, अब देखते हैं सर ये गलता है कि नहीं। डाल दिया, अब देखिए गलता है कि नहीं, देखिए कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट का तस है, आपको दिख रहा होगा। अब इसे हम फेंक देते हैं बाहर। अब ये बायो है सर, ठीक, मैंने पन्नी से फाड़ा है, बायो है, इसको फाड़ लेते हैं, ये गया, और फाड़ लेते हैं सर, और गया। अब बस आप देखिए सर जादू घुल गया पूरी तरह से। तो ऐसे पता कर सकते हैं, ऐसे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा बायो प्लास्टिक है कौन सा बायो प्लास्टिक नहीं है। तो आप देखें हमारे सामने इस चीज़ में से हम फाड़ के डाले हैं तो वो बायो नहीं था। और ऐसे प्लास्टिक हम जो बायो बैग आपको बता रहे थे कि इस मशीन से बनता है, वो देखिए बायो एकदम घुल गया। अच्छा जी, ठीक है। और इसमें गारंटी वारंटी की बात करते हैं? सर गारंटी आपको 1 साल की मिल रही है और 5 साल की सर्विस मिलेगी मशीन के ऊपर। अगर मशीन में कुछ भी खराब हुआ तो 1 साल में के अंदर हम लोग बना के देंगे। अच्छा, और कंपनी की तरफ से क्या सपोर्ट किया जाएगा? कंपनी की तरफ से एक और सपोर्ट आप लोग के लिए दिया जा रहा है, आपको तो वारंटी मिल ही रही है मशीन के ऊपर, 5 साल की सर्विस मिल ही रही है। प्लस दोस्तों आप लोग कुछ जल्दी से जल्दी, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, तो ताकि जो भी लोग चाहते हैं इस मशीन को लगाना, इस बिजनेस को शुरू करना, तो कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर, और अपना, ठीक है, जो मार्जिन वगैरह है काफी अच्छा कमा सकते हैं। इसका जो बिजनेस है, ठीक है, बहुत ही जल्दी शुरू करिए, इसका जो डिमांड है काफी ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करिए। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, अपने भाई को प्यार करना है इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी देख रहे हैं तो शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।